वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। आज जो बुक आई है ये यूपी टेट सी टेट की सॉल्व पेपर्स हैं, सेकंड पेपर है, यानी कि क्लास सिक्स से लेकर क्लास एट तक के लिए है। ये आपका सोशल साइंस का पेपर है और यहाँ पे आपको साइंस एंड मैथ के पेपर्स, सॉल्व पेपर्स आपको मिलेंगे यूपी टेट के रहेंगे। इसमें यूपी टेट का जो सिलेबस होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और गणित पूछी जाती है। विज्ञान गणित के लिए ये है, जीएस के लिए ये आपको दिखा दे रहा हूँ। दो बुक्स का रिव्यू मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और भी यूपी टेट के कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ये आप यूपी टेट की बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन पर पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दे रहा हूँ। वेबसाइट हमारी ycitybooks.com है, वहाँ से भी बुक परचेज कर सकते हैं आप। गूगल प्ले स्टोर पर भी, गूगल प्ले बुक्स पर भी आपको मिल जाएगी बुक, वहाँ अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये साइंस और मैथ की बुक रहेगी, इसका रिव्यू मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ये आपको 295 रुपये की प्राइस है इसकी, ठीक है। इसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपको सर्वप्रथम रहेगा, सबसे पहले सिलेबस दिया रहेगा यहाँ पे आपको यूपी टेट का, सेकंड पेपर यानी कि 5 से 6 से लेकर 8 तक जो होता है। उसके बाद आपको यूपी टेट का जो पेपर रहता है, यूपी टेट के पेपर मिलेंगे आपको 18 नवंबर 2018 के, 17 के 16 के दोनों सेट मिलेंगे, 14 और 13 और 11 का सेट मिलेगा। उसके बाद आपको सी टेट का सेट मिलेगा। सी टेट के सेट में आपको 2011, 12, 11 के और 12 के 2 सेट, 13 के, 14 के, 14 के बाद 15 के 2 सेट, 16 के 2 सेट और 18 के। तो यूपी टेट और सी टेट के इतने सारे सेट आपको सॉल्व मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस दिखाया गया है कि यूपी टेट के जो सिलेबस होता है वो सिलेबस, जैसे बाल विकास अध्यापन है, दूसरा सिलेबस हो गया समावेश, दूसरा भाग इसमें आएगा आपका भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट में जो आपकी भाषा हो उसका भाषा बोध गम्यता, सेकंड पेपर जो इसमें सेकंड जो रहेगा सेकंड भाषा रहेगी उसमें बोध गम्यता आप देखेंगे, उसका विकास देखेंगे। फिर चौथा सब्जेक्ट आता है आपका गणित एवं विज्ञान, गणित विज्ञान के संबंधित ये चीज़ें रहेंगे। अगर हम दिखाएं आपको पहला पेपर जो यूपी टेट का हुआ है, ये उत्तर प्रदेश 2018 का पेपर है, सेकंड पेपर है। इसमें पहला चैप्टर, पहला टॉपिक जो आता है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडियोलॉजी से होता है, पेडियोलॉजी। किंडर गार्डन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये फ्रोवेल ने किया था। किंडर गार्डन का अर्थ है बच्चों का उद्यान। संकलात्मक परामर्शदाता के जन्मदाता है कौन है, आपके थॉर्न है। संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता एफसी थॉर्न है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता को ना अधिक सक्रिय होता है ना ही अधिक निष्क्रिय होता है। तो ये 18 नवंबर तक, इसमें हमने बता दिया है कि परीक्षा तिथि 18 नवंबर 2018 थी, पेपर कौन सा था यूपी टेट का था, कौन सा सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हमने। पहला टॉपिक स्टार्ट किया चाइल्ड डेवलपमेंट का। उसके बाद आपको जहाँ पे फिगर की आवश्यकता हुई है, जैसे मैथ की फिगर में फिगर की आवश्यकता होती है वहाँ फिगर दिखाया गया है। जहाँ स्पेशल फार्मूले की आवश्यकता है वहाँ फार्मूले बताया गया है। जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन आवश्यकता है, जैसे ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इसका आंसर आप ढूंढेंगे, तो वहाँ पर हमने जस्ट क्वेश्चन के नीचे ही दे दिया है कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्यों होगा, बाकी 3 ऑप्शन क्यों गलत होगा वो भी दिखाया गया है डिटेल से। तो हर क्वेश्चन में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टॉपिक वाइज हमने अलग अलग करके दिया है तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्टडी करने में। तो ये अगर 2 या 3 बार बुक लगा लेते हैं बेहतर होगी। ऐसे ही आपको सेकंड पेपर जो हुआ है सामान्य अध्ययन का, उसमें भी यही चीज़ें रहेंगी सब। आपको सिलेबस में दिखा दे रहा हूँ, सिलेबस में क्या मिलेगा, इसमें आपको सिलेबस में यही यूपी टेट के आपको कला वर्ग का पेपर मिलेगा, यूपी टेट 2017 के, 2016 के दोनों सेट, 2014, 2013, 2011 के मिलेंगे। फिर सी टेट का मिलेगा आपको सितंबर 2016 के दोनों सेट मिलेंगे, 15 के दोनों सेट, 14, 13 का और 12 का दोनों सेट और 11 का, ये सारे सेट आपको मिलेंगे। सिलेबस हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका पहला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे परीक्षा तिथि 18 नवंबर से, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी। सभी सॉल्व पेपर आप 2 या 3 बार लगा लेंगे तो परफेक्ट नॉलेज आपको प्राप्त हो जाएगी। और कैसे आपको यूपी टेट के एग्जाम में बैठना है, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपको पता चल जाएगी इन किताबों से। तो
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।